गुड आफ्टरनून वंदे मातरम सभी छात्रों को। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो था रूल्स फॉर मेकिंग इनडायरेक्ट स्पीच। रूल्स फॉर मेकिंग इनडायरेक्ट स्पीच पार्ट वन मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं। तो आज रूल्स फॉर मेकिंग इनडायरेक्ट स्पीच, स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, पार्ट टू आपके लिए अपलोड हो रहा है। तो आइए चलते हैं, इसको हम रूल्स रेगुलेशंस वन बाय वन समझ लें। प्रीवियस वीडियोस में मैंने जो आपको रूल्स प्रोवाइड किए हैं स्टूडेंट्स, उसमें आपने देखा था केवल असर्टिव सेंटेंस का रूल्स था। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें थ्री सेंटेंसेस में इसके रूल्स लर्न करने हैं। पहला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और उसके बाद हमारा आएगा इम्परेटिव सेंटेंस, और इसके बाद आएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये तीन सेंटेंसेस के कॉन्टेक्स्ट में हम रूल्स को समझेंगे और फिर हमारा ये इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, रिवाइज करने की तो ज़रूरत नहीं है, आपने पढ़ा था चेंजेज ऑफ टेंसेज कैसे होता है, वो प्रीवियस वीडियो में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। वहाँ पे मॉडल्स कैसे चेंज होते हैं और अदर एडवर्ब्स कैसे चेंज होते हैं वो भी अवेलेबल है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शुड स्टार्ट हियर। तो चलिए स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर ध्यान लगाएं, पहले रूल्स को समझें वन बाय वन। मैं इंडिकेट कर रहा हूँ हाथों से, ये आरबी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब। तो जब भी सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू, ये चेंज हो जाएगा आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में। तो स्टूडेंट, जैसा कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो जहाँ भी रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू दिखेगा वहाँ पे आपको किसको सेड टू को चेंज कर देना है, या तो आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में। ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है स्टूडेंट्स, इफ़ आर एस डी एस। आर एस डी एस का मतलब स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, ये आर एस डी एस का मतलब रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट स्पीच होता है। आर बी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो इसको अच्छे से आप समझते चलें। तो इफ़ आर एस डी एस, अगर रिपोर्टेड या डायरेक्ट स्पीच स्टार्ट हो डब्ल्यू एच वर्ड से, देन नो यूज ऑफ एनी कंजक्शन। तो कोई भी कंजक्शन हमें यूज नहीं करना है वाइल रिमूविंग इन्वर्टेड कामास। इन्वर्टेड कामास जब हम रिमूव करेंगे तो उस टाइम पे कोई कंजक्शन नहीं लगाएंगे। कब? अगर हमारा रिपोर्टेड या डायरेक्ट स्पीच डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो। अब स्टूडेंट्स, ये सारे रूल्स आपको कैसे समझ में आएंगे, बाई एग्जाम्पल आगे देखते हैं। अगर, देखिए इफ़ मतलब अगर होता है, यदि इफ़ रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट स्पीच स्टार्ट होगा मॉडल से। मॉडल्स किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी, इज एम आर वॉज वेयर हैज़ हैव कैन मे माइट कुड शुड, इन सबको मॉडल्स बोलते हैं। तो अगर हमारा मॉडल से स्टार्ट हो रहा है रिपोर्टेड या डायरेक्ट स्पीच, ये देखिए ब्रैकेट में मैंने लिखा है इज एम आर वॉज वर सैल विल डॉट 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 का मतलब बहुत सारी। तो अगर मॉडल से स्टार्ट हुआ रिपोर्टेड या डायरेक्ट स्पीच, तो देन यूज, तब आपको यूज करना है, क्या यूज करना है? इफ़ या वेदर, दोनों में से एक आपको यूज करना है, इफ़ या वेदर वाइल रिमूविंग इन्वर्टेड कामास। ये देखिए मैंने इन्वर्टेड कामा का सिंबल बनाया। इन्वर्टेड कामास को रिमूव करने के टाइम पे इफ़ या वेदर आपको लगाना है। कब? अगर हमारा रिपोर्टेड या डायरेक्ट स्पीच स्टार्ट होता है किससे? मॉडल से। और मॉडल आप समझ गए हैं। चलिए स्टूडेंट्स, चौथा है इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम, ये सेंट का मतलब सेंटेंस है, शॉर्ट में लिखा मैंने स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस। अब स्टूडेंट्स एग्जांपल आ जाइए, हम देख लेते हैं। दो एग्जांपल हमने लिखा है इंट्रोगेटिव का। तो पहला आप देखिए स्टूडेंट्स, ये पूरा रिपोर्टिंग स्पीच है, मैं दिखा रहा हूँ आपको हाथों से, और ये जो इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस है ये रिपोर्टेड या डायरेक्ट स्पीच है। तो आप देखिए रिपोर्टेड या डायरेक्ट स्पीच की स्टार्टिंग किससे हुई है? डब्ल्यू एच से। तो देखिए पहला रूल्स मैंने लिखा है कि रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट स्पीच स्टार्ट हो डब्ल्यू एच वर्ड से, तो नो यूज ऑफ एनी कंजक्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स, वाई क्या है? डब्ल्यू एच वर्ड है। तो हमने ये इन्वर्टेड कामा अगर हटाया है तो कोई भी यहाँ पे कंजक्शन यूज नहीं किया, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड खुद एक कंजक्शन की तरह काम करता है, इसीलिए इसमें कोई भी अदर कंजक्शन वर्ड नहीं आते। किसमें? डब्ल्यू एच वर्ड वाले में। तो देखिए स्टूडेंट्स, मदर का मदर लिखा, अब सेड टू का आस्क्ड कर देंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में करना है, तो सेड टू को आस्क में, मी का मी ही रहेगा, वाई का वाई ही रहेगा, क्योंकि इन्वर्टेड कामा हटेगा तो कोई कंजक्शन नहीं आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ नियम लिखा है मैंने, इसमें आप देख सकते हैं डब्ल्यू एच वर्ड से होगा तो कोई कंजक्शन नहीं, सब आपके सामने है। अब यू किसको बोला जा रहा है स्टूडेंट्स? मी को बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें जो आपका यू क्या है? सब्जेक्ट है, और मी क्या होता है? ऑब्जेक्ट है।
लेकिन ये यू वर्ड मी के लिए आया है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई, तो वाई आई, और आर यू नॉट कमिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है स्टूडेंट्स, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, तो आई के साथ क्या लगेगा? वॉज नॉट कमिंग। होम का होम होगा, दिस का दैट हो जाएगा, ईयर का ईयर ही रहेगा, क्योंकि दिस दैट में बदलता है, आप पहले से ही जानते हैं। कई स्टूडेंट्स यहाँ पे वाई के बाद वॉज लगा देते हैं। स्टूडेंट्स ये डब्ल्यू एच वर्ड कोई भी आए, वाई आए, वेन आए, हाउ आए, वेयर आए, कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड हो, ये हेल्पिंग वर्ब वॉज है या कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, आप डब्ल्यू एच के बाद हेल्पिंग वर्ब ना लिखें। क्यों? क्योंकि अगर आपने डब्ल्यू एच वर्ड के बाद ये हेल्पिंग वर्ब लिखा तो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव ही बना रह जाएगा, जबकि हमारा नियम क्या कहता है? हमारा नियम कहता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज कर दो असर्टिव में। अब देखिए स्टूडेंट, भले ही यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड है, लेकिन डब्ल्यू एच वर्ड के बाद सब्जेक्ट, तब हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, इसलिए ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव से असर्टिव बन गया। इज दैट क्लियर? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में स्टूडेंट देखिए, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, कैन यू सॉल्व दिस सम। अब देखिए क्वेश्चन मार्क इसमें भी था और इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे जो ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है स्टूडेंट्स, देखिए इन्वर्टेड कॉमा जहाँ से लगा होता है वो रिपोर्टेड या डायरेक्ट स्पीच है। इसके स्टार्टिंग में कैन है, तो कैन क्या है? मॉडल, तो यहाँ मॉडल से स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए लिखा है ना मैंने कि इफ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विथ मॉडल्स, तो वहाँ पे क्या लगेगा? इफ या वेदर लगेगा। देखिए लिखा है नियम में, तो ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा हटा है, तो मैंने इफ या वेदर लगा दिया है, स्लैश करके दोनों, आपको एक ही लगाना है। मैंने स्लैश करके दोनों का यूज किया, चाहे इफ लगाइए चाहे वेदर लगाइए, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो द टीचर सेट टू की जगह आस्क्ड होगा, जैसा कि आप नियम में देख रहे हैं, मी, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटेगा स्टूडेंट्स, इफ लगेगा, इफ या वेदर। अब यू किसके लिए आ रहा है? मी के लिए आ रहा है, तो मी का मी सब्जेक्टिव, सॉरी मी ऑब्जेक्टिव केस होता है, और यू यहाँ सब्जेक्ट है, तो मी का जो सब्जेक्टिव केस होगा वो आई होगा, इसीलिए यहाँ यू के स्थान पे आई, और कैन कुड में बदलेगा, आपने नियम में देखा है, तो आई कुड सॉल्व, दिस का दैट होगा, सम का सम ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स इसमें भी इफ वेदर के बाद सब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तभी तो ये इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनेगा। असर्टिव मतलब सिंपल, ये देखिए नियम लिखा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज इनटू असर्टिव। आई होप आपका ये दो एग्जांपल इंट्रोगेटिव का क्लियर हो गया। चलिए स्टूडेंट्स इंपरेटिव सेंटेंस में देख लेते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है स्टूडेंट्स, मैंने अकॉर्डिंग टू, ये देखिए क्या लिखा है मैंने, अकॉर्डिंग टू द सेंस, मतलब सेंस के हिसाब से। अब ये सेंस कहाँ पे नजर आएगा? आर एस डी एस में, मतलब रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट स्पीच में जो सेंस होगा उसके हिसाब से। रिपोर्टिंग वर्ब होगी जो आपकी सेड टू, उसको चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे? ऑर्डर्ड में, कमांडेड में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइज्ड में, सजेस्टेड में या प्रपोज्ड में। स्टूडेंट्स इसका मतलब है, आप इंपरेटिव सेंटेंस में जो मैंने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द सेंस, देखिए मैंने लिखा है ना कि जो सेंस रिपोर्टेड या डायरेक्ट स्पीच में होगा उसी के हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। देखिए इसमें सॉरी मेन वर्ब का रिपोर्टिंग वर्ब लिखा है ना, सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे? अगर ऑर्डर होगा, आदेश जैसा भाव होगा तो ऑर्डर या कमांडेड, और अगर उसमें कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्टेड कर देंगे, और अगर सलाह है तो एडवाइज्ड, सुझाव है तो सजेस्टेड या प्रपोज्ड, ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे। स्टूडेंट्स अगला रूल्स इसमें क्या है कि आर एस डी एस रिपोर्टेड या डायरेक्ट स्पीच को हमेशा जोड़ेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के साथ, किसका यूज करके? टू प्लस वर्ब का। तो टू प्लस वर्ब का ही यूज करके हम रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच के साथ जोड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। यानी रिपोर्टेड स्पीच ये जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच के साथ टू प्लस वर्ब का यूज करते हुए जुड़ेगा। अगला है सम टाइम, कभी कभी इट इज़ यूज फॉरवर्ड इन प्लेस ऑफ डोंट। ये डोंट जब कभी कभी वर्ब दिखे तो उसके स्थान पर आपको फॉरवर्ड का भी यूज कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल में बताता हूँ आपको स्टूडेंट्स। अब एग्जाम्पल मैंने दो लिया है, ध्यान से देखिएगा। द गार्डनर सेड टू द बॉयज, माली ने बच्चों से कहा, लड़कों से, डोंट प्ले हियर, यहाँ मत खेलो। अब स्टूडेंट देखिए ये ऑर्डर जैसा भाव है, तो यहाँ पे द गार्डनर सेड टू की जगह ऑर्डर्ड कर देगा द बॉयज। अब उसके बाद देखिए ये इन्वर्टेड कॉमा का सेंटेंस क्या है, ये आपका रिपोर्टेड या डायरेक्ट स्पीच है, और ये रिपोर्टिंग स्पीच, ये पहले वाला वाक्य क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच, इससे जुड़ेगा ये टू प्लस वर्ब,
ये देखिए लिखा है ना मैंने, टू प्लस वर्ब्स का यूज करते हुए रिपोर्टिंग स्पीच इससे जुड़ता है। तो ये देखिए प्ले के पहले टू लगा दिया, तो आप समझ रहे होंगे टू प्लस वर्ब, ये देखिए दिखा है ना, तो टू प्ले और हियर का देयर हो जाएगा, बस आपका बन गया। अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड का यूज हम ना करें तब ये सेंटेंस और बनेगा, एक टाइप का और बनेगा। जैसे देखिए, बाली ने बच्चों से लड़कों से कहा यहाँ मत खेलो, अर्थात उसने मना किया। ये फॉरवर्ड का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, फॉरवर्ड अपने आप में नेगेटिव मीनिंग है, मना किया। जब फॉरवर्ड लगाएंगे तो डोंट नहीं आएगा। कैसे देखिए, इसको ऐसे भी बना सकते हैं आप, द गार्डनर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, द गार्डनर फॉरवर्ड द बॉयज टू प्ले देयर। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट्स, एक थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको सुधार लेंगे सभी, अगर यहाँ ऑर्डर द बॉयज लिखेंगे तो यहाँ पे नॉट का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, यहाँ नॉट। स्टूडेंट्स इसको ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ ऑर्डर्ड है द बॉयज तो यहाँ नॉट का यूज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ ध्यान देंगे, मैं बार बार दिखा रहा हूँ, नॉट टू प्ले देयर। और अगर हमें फॉरवर्ड का यूज करना है तो हम यहाँ लिखेंगे द गार्डनर फॉरवर्ड द बॉयज टू प्ले देयर। अगर फॉरवर्ड लगाएंगे ऑर्डर के स्थान पे तब हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल, केतन सेड टू मी, केतन ने मुझसे कहा प्लीज हेल्प मी नाउ, मेरी अभी मदद करो। तो ये प्लीज क्या है आपको पता चल गया, रिक्वेस्टेड, इसीलिए सेट टू की जगह पे क्या लिख दिया, रिक्वेस्टेड। तो देखिए केतन सेट टू की जगह क्या आ गया, रिक्वेस्टेड मी, अब टू प्लस वर्ब आएगा टू और ये हेल्प, अब मी कौन बोल रहा है, केतन बोल रहा है, तो केतन को हम क्या बोलेंगे, हिम। और नाउ किस में चेंज हो जाएगा, देन में, आपको पता ही है स्टूडेंट्स, नाउ किस में चेंज हो जाएगा, देन में। प्रीवियस वीडियोज़ में ये सब अवेलेबल है, नाउ देन में होगा, एगो बिफोर में होगा, ठीक है, ये आप जानते हैं। चलिए स्टूडेंट्स लास्ट देखते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है कि इसमें एक्सक्लामेशन मार्क्स हमें देखने को मिलेंगे, एग्जाम्पल में दिखा रहे हैं हम आपको। इसका नियम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंस, इसमें भी सेंस के हिसाब से, कहाँ पर आएगा, गिवेन इन आर एस डी एस, रिपोर्टेड या डायरेक्ट स्पीच में दिए गए सेंस के हिसाब से। जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू, उसको हम चेंज कर देंगे इन टू, किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज और एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस, एक्सक्लेम्ड विथ सैडनेस, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट। स्टूडेंट्स आपके मन में प्रश्न आया होगा कैसे यूज होगा, भाई जैसा भाव रहेगा सेंस, अकॉर्डिंग टू द सेंस। हम एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज कब लगाएंगे, जब आश्चर्य का भाव होगा, हम उदासी का भाव दिखेगा तो एक्सक्लेम्ड विथ सैडनेस कर देंगे, खुशी का भाव दिखेगा स्टूडेंट्स तो एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस कर देंगे, पश्चाताप का भाव होगा तो एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट कर देंगे, इट्सेट्रा। इट मीन्स ऐसे वर्ड हम यूज कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं, रिमूव करेंगे द वर्ड्स सच एज, कैसे वर्ड को रिमूव करना है, हुर्रा, एलास, वाव, आउच, ओ, फाई फाई, इट्सेट्रा। इट मीन्स एक्सक्लामेशन वर्ड कहे जाते हैं ये सारे स्टूडेंट्स, तो इनको रिमूव करना है, एंड ऑल्सो डब्ल्यू एच वर्ड, और डब्ल्यू एच वर्ड को भी रिमूव करना है, ये ध्यान रखेंगे सभी। तो डब्ल्यू एच वर्ड और ये जितने भी एक्सक्लामेशन वर्ड है, हुर्रा, एलास, आउच, ये सबको भी निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, यूज सम अदर, और यूज करेंगे कुछ दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स। अब आपके माइंड में प्रश्न आया होगा कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि जब हम डब्ल्यू एच वर्ड्स को हटाएंगे और एक्सक्लामेशन वर्ड को हटाएंगे इन सबको, तो इनके स्थान पे कुछ कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स, मतलब पूरक शब्द जो उस सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करता हो, ऐसे ही कुछ शब्द रख देंगे जो लगाने से, जो यूज करने से सेंटेंस के अर्थ में कोई परिवर्तन ना होते हों, वही कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड हो जाते हैं और उनका यूज कर लेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड का यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ एबव ऑल दीज वर्ड्स। देखिए मैंने लिखा है ना, ये ऊपर दिए गए इन वर्ड्स के स्थान पर हम इनका यूज कर लेंगे। कौन से वर्ड, यही सब जो मैंने लिखा है, डब्ल्यू एच वर्ड हटा देंगे, हुर्रा, एलास, आउच, ये सबको हटा देंगे। चलिए अगला एक नियम और है स्टूडेंट्स, इसमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को भी चेंज कर देंगे असर्टिव में। देखिए इंट्रोगेटिव में भी आया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस में चेंज हुआ था, असर्टिव में, और यहाँ पे भी स्टूडेंट्स एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किस में चेंज हो जाएगा, असर्टिव में। अब दो एग्जाम्पल यहाँ पे भी हैं, देख सकते हैं, द विजिटर सेड, कोई विजिटर है देखने वाला आगंतुक, उसने कहा
व्हाट एन अट्रैक्टिव हिल स्टेशन इज, वो हिल स्टेशन पे शायद गया है तो वो कह रहा है। विस्टर ने क्या कहा, कितना आकर्षक हिल स्टेशन यह है, तो यानी हिल स्टेशन को देखकर उसको सरप्राइज हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। तो देखिए मैंने सेड के स्थान पे क्या यूज किया है, स्टूडियो द विजिटर सेड के स्थान पे क्या यूज किया, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, और उसके बाद दैट लगेगा क्योंकि हमको असर्टिव सेंटेंस बनाना है। दैट के बाद इट आएगा और ये इज है तो पास्ट में हो जाएगा वॉस, ए आ जाएगा चूंकि यहाँ एन है अट्रैक्टिव के कारण, और वॉट के स्थान पे हम वेरी का यूज करेंगे। वॉट के स्थान पे वैसे भी हम वेरी, इंडीड, रियली ऐसे वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं वॉट और हाउ के स्थान पर, इसको ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे दैट आएगा, इट इज का वाज होगा, फिर ए हो जाएगा और डब्ल्यू एच वर्ड ये जो वॉट है इसके स्थान पर वेरी हो जाएगा, अट्रैक्टिव का अट्रैक्टिव, हिल स्टेशन। आई थिंक आप समझ गए। अब देखिए स्टूडेंट्स दूसरा सेंटेंस, द सेलेक्टर सेड, सेलेक्टर माने जो चयनकर्ता होते हैं, प्लेयर्स को जो चुनते हैं किसी खेल के लिए, सेलेक्टर ने कहा ब्रावो। अब ब्रावो के बाद देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, यहाँ पे भी देखिए लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, इसीलिए तो इसमें सेड की जगह पे एक्सक्लेम्ड आता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के ही कारण। अब देखिए द सेलेक्टर्स एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज, अब देखिए ब्रावो शब्द जो है वो बहादुरी का प्रतीक है, किसी की प्रशंसा जब करते हैं तो ये आपको समझना पड़ेगा। हुर्रा शब्द जब कोई चीज़ जीत हासिल हो जाए, ये भी प्रशंसा का, बहादुरी, करेज। एलास दुख का प्रतीक है, समझ में आ रहा है, इस तरीके का वर्ड आप समझिए। तो द सेलेक्टर्स एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज, प्रेज माने प्रशंसा, ये ब्रावो वर्ड हटा दिया हमने, एक्सक्लेमेशन वर्ड नियम में लिखा ही है, तो ब्रावो वर्ड को हटा के विथ प्रेज, एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज, अब दैट लगाएंगे। अब उनको यू बोल रहा है, खिलाड़ियों को सेलेक्टर्स क्या बोल रहे हैं, यू, तो हम उनको क्या बोलेंगे, दे, यू हैव प्लेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हम इसको किस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट में, तो दैट के बाद दे हैड प्लेड दे वेल हो जाएगा। स्टूडेंट्स केवल हमने टेंस चेंज कर दिया, यू की जगह पे दे लगा दिया, बाकी टेंस चेंज कर दिया, हैड प्लेड वेल बाकी सेम है। स्टूडेंट्स आई होप कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से, आप सभी को ये पार्ट वन के साथ देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन जो हमें प्राथमिक तौर पर जानने चाहिए वो पार्ट वन वीडियोज़ में हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट वन और पार्ट टू को मिला करके पढ़ें, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन आने वाली वीडियोज़ की मिलती रहे। थैंक यू।